भगवान बुद्ध नाम का कोई महापुरुष रहा था, भगवान बुद्ध जैसे कोई उत्तम व्यक्ति जन्म लिया था करके वचन सुना। उस समय तक सिर्फ वचन ही बच गया था, लेकिन फिर उनको सुनने में आया कि उनका धर्म शांति और सुख और कल्याण करने वाला निर्वाण देने वाला। तो वो क्या किया, लोगों को पूछा कि कहाँ है भगवान बुद्ध का धर्म, क्यों कौन जानता है, कौन बता सकता है। उनका नाम धाम दहम सोंड राजा। तो राजा पूरा गांव में, नगर में, शहर में, देश में पूरा ढिंढोरा पिटवाता है कि हमें कोई धर्म का एक पद भी बता देगा तो उसको हाथी का जैसा सोना देगा। इसके बाद कोई नहीं बताता है, कोई नहीं, क्योंकि सब खत्म हो गया था, लुप्त हो गया था। इसके बाद क्या होता है, दूसरी बार बोलता है जो कोई लोग मेरा धर्म का एक, वो भगवान बुद्ध का धर्म का एक पद भी जो बता देगा, एक वाक्य भी बता देगा, उसको हम एक गांव देंगे, इस बार एक नगर देंगे, हम अपना देश का आधा देंगे। फिर अंतिम बोलता है हमको देश से कोई मतलब, पूरा देश देंगे, कोई एक धर्म का वाक्य हमको बता दे भगवान। फिर कोई नहीं बताता, क्योंकि उस समय तक पूरा लुप्त हो गया था। तो फिर वो राजा क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, हमको धर्म के बिना ये राज्यपाट नहीं चाहिए। तो वो छोड़कर जाने के कारण शक्र देव इंद्र का आसन जो होता है गर्म हो जाता है, उनका जो तेजस से, उनका जो लिया हुआ निर्णय से। इसके बाद सोचता है क्यों मेरा आसन गर्म हो रहा है, देखता है पृथ्वी में तो एक राजा, उसका नाम दहम सोंड। दहम सोंड क्यों पड़ता है, सोंड मतलब उसमें लगा हुआ, दहम मतलब धर्म में, इसलिए सोंड पर इतनी सोंड हो जो स्त्री के पीछे जाता है उसको इतनी सोंड, सुरा सोंड तो सुरा के पीछे जाता है, ये दहम सोंड नाम धरा जाता है, धर्म खोजने वाला खोज रहा है, इसलिए दहम सोंड नाम बाद में पड़ता है। दूर खोजते खोजते अंत में जंगल जाता है, जंगल जाने के बाद क्या होता है, शंकर देवेंद्र आता है रूप चेंज करके यक्ष का रूप लेकर, इसके बाद यक्ष का रूप लेकर आता है, बोलता है कि क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है करके, बोलता है कि हमको भगवान बुद्ध का धर्म का एक वाक पद कोई बता देगा, उसके तलाश में जा रहा है। बोलता हम जानते हैं, बोलता अरे साल बहुत जोड़ लेता है, बहुत खुश होता है, मन मन प्रीति जगता है, बोलता है हम इसे नहीं बताएंगे, हम धर्म का वाक कैसे, हमें कुछ मिलना चाहिए। वो यक्ष का रूप धारण करके बोलता है ठीक है जो बोलेंगे वो देंगे। तो बोलते हम आपको खाना चाहते हैं टेस्ट करने के लिए, देखिए आश्चर्य हम लोग धर्म के लिए इज्जत नहीं देते, अतीत में ऐसा था। वो बोला हम खाना खाएंगे आपको, बोलता आप खा लेंगे तो फिर हम धर्म कैसे सुनेंगे, नहीं विश्वास नहीं है आप नहीं। उनको बार बोलता है राजा आपका विश्वास नहीं, धर्म सुन के फिर बाद में मन बदल सकता है, इसीलिए अगर सच में आपको धर्म सुनना है तो आपको जान देना होगा। इसके बाद बोलता है ठीक है हम देंगे, लेकिन कैसे, बोलता है ठीक है तुम ऊपर से कूदो राजा, हम उसी के बीच में धर्म का वाक्य बताएंगे और तुमको खा लेंगे। तो राजा तैयार हो जाता है, वो राजा तैयार हो जाता है पहाड़ से कूदने के लिए, कूद जाता है फूल जैसा लोग लेकर। इसके बाद आसन में बैठा कर बहुत गौरव से धर्म बताता है, समझ गए, तो बहुत बहुत मतलब गौरव से धर्म बताता है। तो उसमें एक विस्मित बात वो नहीं है, देखिए इसके बाद धर्म सुनने के बाद उसको मन आश्चर्य हो जाता है और पूरा देश को जाकर वो धर्म का वाक्य बताता है। तो देखिए हम लोग को कितना दुर्लभ मौका मिला धर्म का बात सुनने के लिए, एक समय आएगा एक भी धर्म का वचन नहीं बचेगा दुनिया में, सिर्फ नाम बचे, वो आ रहा अभी, सिर्फ अभी तो सिर्फ वचन पहले बचेगा, आचरण नहीं, आचरण खत्म होगा फिर बाद में वचन भी खत्म होगा। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है, जो आने वाला पीढ़ी है हम लीक कर देते हैं, माँ को लात मार के नहीं भगाए तो बोलिएगा, पिता को लात मार के नहीं भगाए तो बोलिएगा, हम वो देख रहे हैं, हमें मम्मी लोग पापा लोग कॉल कर रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने, गुरु जी मेरा बेटी लड़का के साथ भागने के लिए बोल रहा है, क्या करें डर लग रहा है, डांटते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा डांटे हुए तो हम लड़का साथ भाग जाएंगे, ज़्यादा बोले हुए तो लड़की साथ भाग जाएंगे, धमकी दे रहे हैं मम्मी पापा। जमाना बदल गया, बच्चे लोगों को आचरण नाम का चीज बचा ही नहीं, इसलिए आप लोग ने बच्चे लोग को खूब पढ़ा रहा है, खूब पढ़ा रहा है, अंत में वही बच्चा माँ को लात मार रहा है, कुर्ता करता नहीं क्योंकि माँ
कोई लोग संस्कार नहीं दे रहा, धर्म नहीं दे रहा। आप लोग को देखकर हमें इसलिए पेड़ जब मजबूत हो जाता है तो संस्कार नहीं दे सकते। बचपन में नहीं दी, इसलिए बचपन में देते तो वो या मुझे अगर उसका देखिए पुण्य भी चाहिए, वो भी बात सही है। पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं है, पुण्य रहना चाहिए, थोड़ा भी धर्म समय नहीं। कभी कभी कोई कोई पापा लोग कोई कोई भंती लोग का पापा मम्मी लोग का भी है बंदी सुनता ही नहीं, श्रीलंका मंदिर पूरा ध्यान करने वाला दीना धर्म के रहते उसका पापा दारू पी रहे हैं बंदी।